हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं खुद ब्लॉग को स्टार्ट। तो आज है सैटरडे, सैटरडे में होती है समिक्स की पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो बस आज हम वहीं जा रहे हैं। तो रेडी हो चुके हैं, क्योंकि जो रोल नंबर वाइज है तो सुबह का ही मॉर्निंग का टाइम है। जैसे 8:30 से स्टार्ट होगी इसकी मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जो समिक्स का 8 रोल नंबर है। तो इसीलिए हमें अब जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कुछ भी, और बारिश भी हो रही है। तो जाएंगे हम गाड़ी से, और समिक्स ये रहा, समिक्स भी रेडी हो चुका है। ये देखिए, हेलो कर दो। हेलो गाइस, बताओ बताओ। हाँ इधर आके बताओ, यहाँ चढ़ो चढ़ो, ऊपर तो आओ, आप दिखोगे नहीं फिर ऐसे। लो आप बताओ कहाँ जा रहे हो आप? हेलो गाइस, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या, किस लिए? माइक्रो। किस लिए जा रहे हो आज स्कूल? स्कूल आप? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो जी बस ये रेडी हो चुका है। इसके पापा गाड़ी पे से कवर वगैरह हटाने गए हैं, बारिश क्योंकि हो रही है, रुक नहीं रही है। तो हम इसलिए वैसे जाएंगे अब गाड़ी से, वरना हम पैदल जाते। पैदल जाने में अच्छा लगता क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंडा, पर बारिश हो रही है ना, तो इसलिए जा नहीं सकते। बच्चा भी है साथ में, तो बस इसीलिए। और जैसा अगर मेरे को मिला मौका तो मैं दिखाऊंगी थोड़ा बहुत आपको वहाँ का, स्कूल का इसके। तो चलिए चलते हैं स्कूल में इसके। आज काम मैं लगभग सब कर चुकी हूँ, लंच बनाना बाकी है, मतलब रोटियाँ डालनी बाकी है। तो या तो मम्मी या छोटे नरेंद्र वो डाल देंगे, इतने हम आएंगे, नहीं तो फिर आके मैं डाल दूंगी अगर हम टाइम से आ गए तो। कोई भी बना देता, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बहू तो मैं ही बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। भाई जिसको लगता है कि ना हाँ इसलिए काम में बिजी है तो फिर वो बना लेता है, सब कुछ नहीं है कि नहीं वो ही बनाएगी, एक ही के जिम में कर रखा है सब काम, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे तो सब काम कर चुकी हूँ मैं, किचन वगैरह सब क्लीन कर चुकी हूँ, सब्जी वगैरह जो बनाई है आज, सब्जी बनाई है आलू बैंगन की। तो आटा वाटा मैंने सब लगा दिया है, उसका बनाऊंगी मैं आकर दलिया। तो दलिया बनाना है, तो मटर नहीं है, तो आते वक्त मटर लेकर आएंगे, सफल मटर हम जब भी इसका दलिया बनाऊंगी। बोल रहा था वैसे इसको ना रोज, इसको ये सब नहीं खाना होता, सिर्फ इसको पुलाव दो या फिर आलू का पराठा दो। तो आज मैंने फिर भी इसको बोला है, मैंने कहा समिक्स कभी कभी ना दलिया खाना चाहिए बेटा, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ठीक बोल रहा, ठीक है आज आप मेरे लिए ना दलिया बना देना। तो बस जी अब इसके लिए हम बनाएंगे आकर दलिया, ताकि ये भी कुछ खा ले और छोटे वाला भी कुछ खा ले। ये तो दही डाल के खा लेगा, और उसको नहीं है पसंद दही डाल के, उसको पता नहीं क्या है, दूध की कोई चीज पसंद है ना, दही पसंद है ना उसे, दूध ही पसंद है और ना ही पनीर खाता है वो, कुछ नहीं, बस उसको चाहिए सिंपल रोटी सब्जी, उसको ये खाना होता है। और दलिया पुलाव ये सब ना वो बिना दही के खाना पसंद करता है खाली। तो बस मैं आकर जब ही बनाऊंगी, और देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं भी आपको दिखाती हूँ एक सेकंड की। तो ये देखिए, ये साड़ी पहनी है मैंने समिक्स के जाने के लिए। ये साड़ी ना मेरे को अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, इससे एकदम पूरी वो आती है। तो जी बस, और समिक्स ने भी ये कपड़े पहने हैं, मेरा बेटा देखिए मंदिर गया था, और ये देखो अभी क्या करके आ रही है ना, हैंड वॉश यूज कर रहा हूँ पक्का। ये देखिए मंदिर गया था समिक्स, टीका लग रहा है समिक्स के। पीटीएम है ना आज, आज मीटिंग है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना आज, आप भी जाओगे ना? आज पता चलेगा समिक्स ने क्या किया है अब तक, जब से इसका एडमिशन हुआ है स्कूल में। तो जी बस देखते हैं आज मैम इसे क्या बोलती है, इसके लिए क्या नहीं। तो फिंगर क्रॉसिंग है, अच्छा ही बोलेगा सब कुछ, क्योंकि ज़्यादा शैतानी वगैरह ना करता नहीं है बाहर जाकर, तो इसीलिए। और पढ़ाई हम उसको पहले से ही पढ़ाते हैं, तो इतना तेज है ये पढ़ने के लिए। तो जी बस अभी तक मैंने इतना ही बेड समेटा है, कपड़े यहाँ लगा दिए, ये देखो ये फिर से फैला गए। अरे देखिए किचन भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, बर्तन वगैरह सब, ये इनके पूजा के लोटे हैं, ये मैंने सब्जियाँ पैक कर दी, इसमें सब्जी, इसमें आटा, ये चाय बन चुकी है। तो ये देखिए हो रही है बारिश, दिख रही होगी अगर आप, दिख रही है बारिश हो रही है,
तो इसीलिए हम जा रहे हैं। वो देखो गाड़ी कर दी उन्होंने। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं समीक्षा के स्कूल। ये आपको दिख रहा होगा ये समीक्षा स्कूल। तो देखिए गाइस ये ग्रेड डे के दिन एक्टिविटी करी थी इन्होंने समीक्षा ने। तो ये बच्चों की वर्ड स्केचिंग और ये देखिए इधर। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी वो बना रखी हैं। और ये बैठा है यहाँ पर। टाइम हो रहा है 1:00 करेक्ट। तो बस समिक्स के स्कूल से हम आ गए थे। आज समिक्स के टीचर ने बहुत तारीफ करी उसकी कि ये बहुत एक्टिव है, अच्छा है। अभी उसको थोड़ा अभी हाफ ही मंथ हुआ है ना, अभी फुल मंथ भी नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा शाय भी फील करता है। तो वैसे उसकी मैम ने तो हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट ही दिया है कि हाँ लड़का अच्छा है, पढ़ने में ठीक है, अभी तक तो प्रोग्रेस अच्छी चल रही है इसकी। तो आगे भी देखते हैं, कुछ कमियां भी बताई हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि नहीं बिल्कुल ही परफेक्ट बताया मेरे बेटे को, नहीं, कुछ कमियां भी बताई हैं। बट वो कमियां ये है कि वो शाय है, थोड़ा बोलता नहीं है, कम बोलता है। वैसे पूरा एक्टिव रहता है हर चीज़ में, खेलने में कूदने में, मैम से पूछता भी है, अपनी मैम से पूछ पूछ के हर काम करता है। बट थोड़ा बहुत वो शाय है, क्यों एक तो यूँ भी कह सकते हैं हम कि हमने डायरेक्ट ना उस स्कूल में ही भेजा है, यहाँ पर भी भेजते थे ना हम, तो यहाँ पर जान पहचान उसकी बहुत दिनों में जाके जैसे बनी थी। वहाँ भी फर्स्ट टाइम में ऐसे ही था, ऐसे ही ट्यूशन में था अपने। तो बस धीरे धीरे बाकी तो सब कुछ ठीक निकला। मैं तो डरते डरते गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मैम बैठी हो मेरे आगे, क्योंकि मेरे को भी बहुत डर लगता था। और मेरा फर्स्ट टाइम क्या ना अपने बच्चे की PTM अटेंड करना, वो अलग बात है। तो बस सब हो गया, हमारी तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं थी। बस इतनी थी कि वो लंच में जैसे सैंडविच नहीं खाता, बस पता नहीं उसको सैंडविच पसंद नहीं है या कुछ अलग से चीज़ बना के दूंगी ना तो वो भी उसको पसंद नहीं है। बाकी हाँ दलिया पुलाव पराठा रोटी ये सब खा लेगा वो, बट पराठे भी सिर्फ आलू के पनीर के एंड सिंपल पराठे, और कोई नहीं, अभी तक और कोई पराठा नहीं खाया उसने। हाँ प्याज और आलू का भी खा लेता है बट और कोई पराठा नहीं अब तक मैंने उसको देखा खाते हुए, छोड़ देता है। तो बस यही सब था, बाकी तो सब कुछ अच्छा होता है। और अभी मेरा काम सब हो चुका है, लेट हो गया आज काम में, वो बारिश हो रही थी तो धूप निकल, फिर बाद में जब हम आए तो थोड़ा मौसम खुला तो धूप निकली, तो फिर मम्मी ने बोल दिया कि कपड़े धो लो क्योंकि कल को छोटे वाले देवर को भी ऑफिस जाना है, और ये तो ऑफिस जाती हैं समीक्षा के पापा तो संडे अभी जा ही रहे हैं। तो बस ये काम सब हो चुका है घर का, ये देख रहे हो आप सब, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। मैं थक गई हूँ, छोटे वाला जो लड़का है वो अभी नीचे सो रहा है, तो बस मैं उसको अभी लेने जाऊंगी, आते ही उठ जाएगा इतना पता है मुझे। और पता नहीं मेरे ना जब से 2-3 दिन हो गए भूख लगती है, पता नहीं क्यों, पहले नहीं लग रही थी, जैसे मैंने फास्ट रखे हो ना पूरे मंथ के तो पहले नहीं लगती थी, बट अब कुछ ज़्यादा ही लगने लग रही है। दो दिन से लग रही है मेरे को दिन में भूख, बाकी और तो कुछ नहीं है। बस मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना आता है, मैं इसलिए लग गई आप लोगों से बात करने, मैंने कहा मेरा माइंड डाइवर्ट में थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो चलिए जी, एंड कल है तीज, तो आपको तीज भी देखने को मिलेगी, हमारे तीज कैसे मनाई जाती है, कैसे क्या, सिर्फ हर एक पे पहनते हैं हरी चूड़ियाँ पहनते हैं एंड अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खाना बनाते हैं, कचौड़ी वगैरह बनती है, कचौड़ी और रायता बनता है इनके, और शायद और भी कुछ अगर होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो मन तो मेरा मेहंदी लगाने का मन करता है, इसकी मेहंदी की है मेरे पास, बट पता क्या है जो मेरा छोटा लड़का ना अगर वो सोता रहा तो ठीक है, नहीं सोया ना तो फिर वो नहीं लगाने देगा। तो देखते हूँ रात में थोड़ा बहुत इन सब पे तो लगा ही लूँगी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेहंदी, मेरी बहुत फेवरेट है। इसके समझ के ना आज स्कूल में भी कॉम्पिटिशन है, मेहंदी है, डांस है, सिंगिंग है, तो मैंने सोचा था मेहंदी में पार्ट लूँगी कि थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा, बट
किसी रीजन से नहीं कर पाई। और फिर मेरा छोटा लड़का भी है, वो फीड करता है तो उसको भी देखना पड़ता है, ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है मेरे बगैर। तो बस इसीलिए कुछ इस वजह से भी मैंने पार्ट नहीं लिया उसके कंपटीशन में। बट मन तो बहुत था कि हाँ चलो कर लेती हूँ, थोड़ा जो मुझे आता है थोड़ा सा वही हल्का फुल्का जो भी आता वो तो मैं कर ही लेती। एंड समीक्ष भी खुश हो जाता, उसको भी लगता कि हाँ मम्मा कंपटीशन में पार्ट ले रही है, मुझे भी आगे से लेना चाहिए। तो बस यही था, बाकी चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी कुछ होगा तो पक्का लूँगी, देखते हैं। तब तक अभी तो करते हैं। तो देखिए गाइस, समृद्ध उठ चुका है और ये मेरे को जब से बोल रहा है माँ माँ इतने जाना है, इसको इतने जाना है कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है इतने हेलो कर दो, हेलो बोलो ऐसे कर बेटी बुला लो, सबको बुला लो, पारी कर दो, पारी कर दो, पारी पारी दे दो, ऐसे प्लान किस दे दो नहीं तो चलिए जी हम इसको छोड़ कर आते हैं। क्या चाहिए लगा 5 मिनट कार्टून देखना? हाँ। अच्छा 5 मिनट देख लो, सुन लो मैम कैसे बोल रहा है। और ये सबसे 5-5 मिनट फोन लेके देख लेता है अच्छा खासा। देखिए काम मेरा हो चुका है और बस मैं नहाकर मंदिर चली गई थी जब इवनिंग में, तो फिर मैं बता नहीं पाया आप लोगों को। और दूसरा आज मैंने खाने में बनाए हैं अरबी की सब्जी बनाई है, उसमें मटर डाल के बनाई है एंड तोरी की सब्जी बनाई है। तो मैंने अभी एक रोटी को खा लिया क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी सुबह से। बस यूँ होता है कि शाम कब हो कब मैं फास्ट खोलूं ऐसा रहता है। अब तो स्टार्टिंग के जो एक तो वीक गए ना उनमें तो मुझे पता भी नहीं चला, अरे मैं लास्ट के जैसे टाइम जा रहा है ना। तो और वैसे देखो भोले बाबा करवाएंगे, भोले महादेव, महादेव सब देखते हैं अपने आप शक्ति देंगे आगे तक। तो बस का यही है। और बस अब मैं मेरे लड़के दोनों बेटे ना आने ही वाले हैं, कोई कोई टाइम जा रहा है क्योंकि छोटे वाला है वो बहुत परेशान हो रहा है। और मेहंदी तो नहीं लग पाएगी, मुझे लग नहीं रहा और लगेगी भी नहीं शायद क्योंकि अब वो बहुत थक रहा है। आ जा देखो, तो बस अब चेंज करके ले लूँगी मैं। तो इस ब्लॉग का बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सालू कटारिया ब्लॉग, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।